रंग दे बसंती के स्टार सिद्धार्थ ने सोहा पर अपना रंग उसी फिल्म में जमा लिया था, मगर सोहा को मैरिड मैन पसंद नहीं थे, इसलिए उन्होंने सिद्धार्थ के रोमांटिक वाइब्स को इग्नोर किया और आहिस्ता आहिस्ता चली गई अभय डियोल के पास। लेकिन अभय डियोल भी मिनीषा के साथ टैंगो कर रहे थे और सोहा की आंखें चौराहे पर कोस्टार अंकुर से मिली। लेकिन इन सब के बीच सिद्धार्थ और उनकी चाइल्डहुड स्वीटहार्ट और अब उनकी वाइफ का उनसे डिवोर्स हो गया। एक और उम्मीद की कहानी, सिद्धार्थ हिंदी फिल्म्स के चक्कर में मुंबई आ गए और सोहा से फिर एक मुलाकात हुई एंड नाउ द लीगली डिवोर्स सिद्धार्थ वाज अट्रैक्टिव इनफ फॉर सोहा टू मेल्ट। तरंगे फिर उठी और बी न्यूज ने दोनों को सिम्पसंस के प्रीमियर पर कोजीली साथ में देखा, लेकिन कैमरा से दोनों भागा दौड़ी कर रहे थे। सिद्धार्थ और सोहा, हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि इश्क और मुश्क बी न्यूज से नहीं छुप सकते। सोहा सिद्धार्थ की तो पर्सनल फैन हो ही गई थी, पर ओमकारा देखने के बाद उनका दिल अजय देवगन के टैलेंट पर भी फिदा हो गया। जहां पूरी दुनिया सैफ की तारीफ कर रही थी, सोहा वेंट ऑन कोट सेइंग कि बॉलीवुड के सबसे कम्प्लीट एक्टर हैं अजय देवगन, और बी न्यूज ने इस कम्प्लीट एक्टर से उनके आने वाले रोल पर बातचीत की। रामू की आग, जब अजय देवगन को ऑफर की गई तो ऑडियंस के साथ साथ वो भी हैरान थे। First, I was silent because I was thinking, why is Ramu making Shole? And when he narrated me the whole thing, I had nothing to say because the way he's adapted it, I think is so beautiful that I had nothing. In fact, I told him ke why I was going to tell you why you making this film, but I cannot tell you, cannot say that anymore. अजय देवगन वीरू का रोल प्ले कर रहे हैं। वो कैरेक्टर इतना अडोरेबल था कि आज भी सभी को याद है। 22 साल में इतना कुछ बदल गया है, भाषा से लेके, एटीट्यूड से लेके, अप्रोच से लेके, फिल्म मेकिंग का तरीका। आई थिंक आप और मैं, हम जैसे लोग भी बदल गए हैं। जो हम जैसे लोग उस ज़माने में थे, वो एक अलग तरीके से बात करते थे, उनका एटीट्यूड अलग होता था। तो जब आप वो सब देखेंगे तो आई थिंक काफी कुछ बदल गया। हेमा जी और धर्म जी का रोमांस तो इस फिल्म के दौरान ब्लॉसम हुआ था। अब इस फिल्म की बसंती यानी कि घुंघरू के बारे में अजय क्या कहते हैं? आई थिंक शी इज डन वेरी वेल। जो इस कैरेक्टर को जिस हिसाब से अडैप्ट किया गया, उस हिसाब से आई थिंक शी इज जस्टिफाइड इट। जय वीरू की जोड़ी तो बॉलीवुड हिस्ट्री में दोस्ती की मिसाल है। क्या प्रशांत और अजय भी ऐसी ही नई मिसाल कायम कर पाएंगे? आई थिंक बहुत अच्छा काम किया उसने। आई थिंक नई जनरेशन के जो एक्टर आते हैं, अपना होमवर्क करके आते हैं और एंड जब आप फिल्म देखेंगे तो यू अग्री विद मी। फिल्म का नाम और कैरेक्टर्स के लुक भले ही डिफरेंट हो, मगर इंडियन ऑडियंसेस इस फिल्म को शोले के साथ कंपेयर करने से नहीं चुके। यू कांट स्टार्ट आल्सो मेक द ऑडियंस कंपेयर आल्सो, यू कांट स्टॉप देम आल्सो, इट्स देयर डिसीजन, बट व्हेन दे सी द फिल्म दे विल डिसाइड दैट देयर इज नो पॉइंट कंपेयरिंग बिकॉज़ दो अलग-अलग adaptations. अजय को ट्रूली टैलेंट के मामले में क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, लेकिन कभी कभी वो कुछ रोल्स कर लेते हैं जो उन पर बिल्कुल सूट नहीं करते। The latest unsuitable choice he made was Cash, जिसको क्रिटिक्स ने थ्रैश कर इग्नोर करने की हिदायत दी है। अजय देवगन looks completely disinterested. उन्हें ऐसा लग रहा है, ऐसा मुझे लगता है, जब ये फिल्म मैंने देखी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि वो ऐसा सोच रहे हैं कि मैं ये फिल्म क्यों कर रहा हूँ, और वो उनके चेहरे पे नजर आता है। और बिल्कुल उनकी एक्टिंग में दम ही नहीं है, आग ही नहीं है।